हेलो एवरीवन, दिस इज यादव एमएलटी। माय नेम इज बाली यादव। आज मैं आप लोगों को लेबोरेटरी में डेंगू कार्ड टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारे पास डेंगू की किट है, इसमें डेंगू का कार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो इसको हम यहाँ से काटने के लिए दिए गए तो इसे ओपन कर लेंगे। तो इसमें 3 पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट तो है हमारा एक NS1 एंटीजन, एंड सेकंड है हमारा एंटीबॉडी वाला जिसमें कि IgM एंड IgG है। तो डेंगू कार्ड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगी, पेशेंट सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, सीरम, देन हमें पिपेट की रिक्वायरमेंट होगी एंड स्मॉल पिपेट जो भी इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, एंड डेंगू बफर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें पेशेंट के सीरम सैंपल को 2 से 3 ड्रॉप लेना है। लेने के बाद जो NS1 एंटीजन वाला कौन साइड है, सैंपल एरिया दिया है जो NS1 एंटीजन की साइड में, इसमें हमें 2 to 3 ड्रॉप NS1 एंटीजन में ऐड करना है। देन स्मॉल टिप्स की हेल्प से इसमें मार्किंग का एरिया दिया गया है जो ब्लैक लाइन से 10 माइक्रोलीटर के लिए, सैंपल 10 माइक्रोलीटर लेना है इसमें। 10 माइक्रोलीटर सैंपल आ चुका है। तो इसको जो एंटीबॉडी वाले कॉर्नर है इसमें हमें सैंपल वाले एरिया में 10 माइक्रोलीटर ऐड करना है। देन ऐड करने के बाद जो हमारे पास डेंगू का बफर प्रोवाइड किया गया है किट में, उसकी 3 ड्रॉप बफर की ऐड करना है बफर वाले एरिया में। देन आफ्टर 15 to 20 मिनट के बाद हम रीडिंग रिजल्ट कार्ड की रीडिंग लेंगे रिजल्ट की। आफ्टर 15 to 20 मिनट के बाद हमारे कार्ड का रिजल्ट शो हो चुका है। तो आप लोगों को दिख रहा है NS1 एंटीजन में कंट्रोल लाइन शो हो रही है, एंड जो एंटीबॉडी वाला कॉर्नर है IgM IgG वाले में भी कंट्रोल लाइन शो हो रही है। मीन्स पेशेंट को डेंगू निगेटिव है, पेशेंट को डेंगू का इन्फेक्शन नहीं है। यदि मान लीजिए NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है, इसमें NS1 एंटीजन में टेस्ट लाइन शो हो रही है यदि रेड कलर, तो मीन्स पेशेंट को क्या है, डेंगू का इन्फेक्शन हो गया है। तो यदि NS1 एंटीजन आ रहा है मीन्स पेशेंट की बॉडी में डेंगू का जो इन्फेक्शन है अभी परसिस्टेंट हुआ डेंगू का फ्लैवी वायरस। तो यदि मान लीजिए यदि एंटीबॉडी कॉर्नर में IgM आ रहा है और कंट्रोल लाइन शो हो रही है, मीन्स पेशेंट को जस्ट अभी क्या है, फ्लैवी वायरस जो डेंगू का इन्फेक्शन क्रिएट करता है वो अभी पेशेंट की बॉडी में एंटर हुआ है। और यदि मान लीजिए एंटीबॉडी कॉर्नर में कंट्रोल लाइन प्लस IgG एंटीबॉडी शो हो रही है, रेड लाइन शो हो रही है, तो मतलब पेशेंट को क्या है, पास्ट प्रीवियस 2 से 10 डेज पहले से ही क्या है, डेंगू का इन्फेक्शन है। आई होप दोस्तों आप लोगों को डेंगू का कार्ड टेस्ट लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने डेंगू फीवर का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का बारे में आप लोगों को यदि नहीं पता हो, तो आप मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में डेंगू फीवर के बारे में लेक्चर बना दिए हूँ, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में माइक्रोबायोलॉजी में जाके देख सकते हैं। यदि वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे।